बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े नेताओं में सब कुछ ठीक ठाक न होने की चर्चाएं मीडिया में आम हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव और तमाम नेताओं के बीच गुटबाजी की चर्चाएं भी हैं। कमलनाथ द्वारा बुलाई गई बैठकों में दिग्विजय सिंह का न पहुंचना भी चर्चाओं में है, लेकिन बड़े नेताओं के इस अलगाववाद के बीच आज दिग्विजय सिंह का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें दिग्विजय सिंह रतलाम में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान ये कह रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के नेता एकजुट हो जाएं, मिलजुल कर 2023 का चुनाव लड़ें और अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में 2023 में कांग्रेस के लिए ये आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी, वो घर बैठ जाएं। तो पहले रतलाम में कार्यकर्ताओं से चर्चा के बीच दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए इस बयान को सुनिए। कुछ नहीं कर पाएंगे सब लोग एक, लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कन्नाप्पा जी उधर खड़े, दीदी ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का, बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। अगर आप लोग नहीं ईमानदारी चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। तो बयान को आपने सुना, आपको ये बता दें कि दिग्विजय सिंह रतलाम के प्रवास पर थे और जावरा और आलोट के कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान उनके मुंह से ये बात निकली, वीडियो बन गया और इलाके में वायरल हो गया। साफ है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच चर्चाएं हैं कि 36 का आंकड़ा है और इस 36 की लड़ाई ने उस वक्त को और हवा दे दी जब अरुण यादव से दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई। अरुण यादव और कमलनाथ के रिश्ते सभी जानते हैं, तलखी है, अलगाववाद के रास्ते पर हैं दोनों, एक दूसरे की नहीं बनती, और उस बीच दिग्विजय सिंह का अरुण यादव से मिलना और कमलनाथ की बैठक में न जाना और उसके बाद रतलाम में छोटे कार्यकर्ताओं को नसीहत देना, ये साबित करता है कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। अगर कांग्रेस की इतनी ही चिंता दिग्विजय सिंह को है तो फिर बड़े लेवल पर ये समन्वय बनाने की कोशिश वो क्यों नहीं करते? अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ नहीं कर पाएंगे सब लोग एक, लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कन्नाप्पा जी उधर खड़े, दीदी ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का, बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला।